चक्कलो भाई बताओ दिखने में लग कैसा रहा है? पेट के जी ओनली डाल लो सर का सारा भाजी। ये स्थिति है, क्या स्थिति है जी? ये स्थिति अबे लग ऐसे डुल जा, डुल गया। आप मुझसे पूछोगे भाई धनिया मटन अच्छा है या धनिया चिकन अच्छा है? है सही नहीं, देखो कैसे तितर बितर हो गए हैं, हो गए नहीं? हेलो जी, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम और सत श्री अकाल दोस्तों। बात करते हैं जी आज की वीडियो की। भाई वीडियो इस प्रकार से कि आपका भाई आज बनाने जा रहा जी भाई धनिया चिकन करी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी बनाना। भाई ये देख रहे हैं क्या है भाई? ये जी 4 टेबल स्पून भाई साबुत धनिया जो मैंने डाल के रख दिया जी कढ़ाई में। अब करना क्या है तो जी गैस का फ्लेम ऑन कर लो और इसे भून लो जब तक खुशबू आए, ठीक है जी, और चटक चटकने की आवाज आए। तो जी प्यारी प्यारी खुशबू आ चुकी, जो गैस का फ्लेम बंद कर लो जी और उसके ठंडे होने का वेट कर लो आप। तो जी करना क्या है, एनो चक के ना ऐसा पा दो भाई। देख रहे हो क्या भाई? लहसुन की कलियां हैं भाई, कितनी है? 20-25 है भाई, निक्के निक्के तो हैं भाई। डाल लो भाई एक बड़े साइज का प्याज भाई, 3-4 हरी की मिर्चा जिनी मर्जी खाओ भाई, थोड़ा सा पानी। तो जी मैं इसका पेस्ट बना के आता हूँ। तो जी पेस्ट बन के तैयार है जी, करते हैं नेक्स्ट कार्रवाई। तो जी नेक्स्ट कार्रवाई इस प्रकार से हांडी लगा लीजिए, डाल दो जी इसमें मस्टर्ड का तेल भाई। कितना डालना है? ओनली 10 से 12 टेबल स्पून। तो जी इसके अच्छे खासे गर्म होने का वेट तो कर लियो। तो जी तेल गर्म हो चुका है तो डाल दो जी 4 इलायचियां, 1 दालचीनी, 2 बड़ी इलायचियां भाई, 15-20 दाने काली मिर्च के, 4-5 लौंग भाई, 1 चम्मच जीरा। तो जी भून लो जब तक प्यारी प्यारी खुशबू आ जाए। तो डाल दो जी प्याज भाई, रफली चॉप प्याज जी, 5 प्याज है 5। तो जी इसे भून लो भाई 10 से 15 मिनट तक, जब तक ये हल्के हल्के भाई ब्राउनिश ब्राउनिश एंड पिंकिश पिंकिश हो जाए। तो जी प्याज अपने पिंकिश पिंकिश है, ब्राउनिश ब्राउनिश हो चुके हैं। जब करना की है भाई, देख रहे हैं क्या है भाई? चिकन है, ओनली 1.5 kg है। पहले से मैंने इसमें ना कट मार के रखे, कट मार के, ठीक है जी भाई, 1.5 kg ओनली डाल लो सर का सारा। कर दो से मिक्स मुक्स चंगे से। अब करना क्या जी, इसे 5 से 6 मिनट तक भाई हाई फ्लेम पे भाई पका दे रहा हूँ जी। 5-6 मिनट हो गए जी, सो पता ही हाई फ्लेम पे। अब करना क्या जी भाई, डालो जी 2 टेबल स्पून भाई कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून भाई हल्दी यानी हल्दी भाई, नमक स्वाद के अनुसार भाई, धनिया का पाउडर भाई 1 टेबल स्पून भाई, जीरा 1/2 टेबल स्पून, 1 चम्मच भाई काली मिर्च का पाउडर भाई, मीट का मसाला भाई 1 टेबल स्पून भाई, गरम मसाला भाई 1 टेबल स्पून भाई। देख रहे क्या भाई, धनिया के वो क्या बोलते हैं, इसका डंठल क्या बोलते हैं जी, से वो स्टेम्स डंडियां भाई डाल दो। तो जी कर दो से मिक्स मुक्स चंगे से भाई, थोड़ा पानी मिलाई लो तो से फिर मिक्स मुक्स चंगे से। तो जी करना क्या है जी, करना कुछ खास नहीं है, इसे आप दोबारा से भाई 5 मिनट तक भाई भूनते रहेंगे जी हाई फ्लेम पे। तो जी 5 मिनट और गए जी इसे भूनते जी हाई फ्लेम पे। अब करना क्या है जी भाई, डाल दो जी वो मसाला सारे का सारा, और जो चिपकू चुपकू है ना इसमें पानी डालते हैं, तो डाल दो जी चिपकू चुपकू आप पानी मिला के बन गई करी। तो जी कर दो से फिर मिक्स मुक्स चंगे से भाई, डाल दो जी थोड़ा धनिया और इसकी एक उबाल का वेट तो कर लियो। तो जी उबाल आ चुकी है, थोड़ा मिक्स मुक्स कर लो अच्छे से भाई, करी काफ़ी है, इसे ना अच्छे से रगड़ लो, नीचे मसाला चिपका हुआ थोड़ा सा। तो जी गैस का फ्लेम अब थोड़ा लो कर लियो भाई, इस पर ढका रख लियो, ठीक है भाई 15 से 20 मिनट के लिए। तो दोस्तों भाई 15 मिनट हो गए, चेक कर लो भाई जी ये स्थिति है। क्या स्थिति है जी? ये स्थिति है, मुद्दा ये कि गला या नो गला, ओए और जल गया, ओए गल गया, ओए गल गया। तो जब करना क्या है भाई, डालो जी धनिया भर भर के, गैस का फ्लेम हाई कर लो और इसे 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे भाई चलने दो। तो जी 1 मिनट भाई इसको पकते जी हाई फ्लेम पे। तो लो दोस्तों भाई बनके तैयार है जी, करते हैं जी टेस्ट। तो लो दोस्तों भाई बनके तैयार हो जी अपना भाई धनिया चिकन करी। भाई देखो यार भाई बताओ दिखने में लग कैसा रहा है भाई, है खूबसूरत या नहीं है भाई, सच बताना यार प्लीज यार। हाँ भाई नहायत ही खूबसूरत है, और खुशबू क्या ही आ रही है, मैं आपको क्या ही बताऊँ यार, सच में कह रहा हूँ मैं, सच में यार आपसे झूठ नहीं कहता मैं यार। हाँ भाई देखो भाई, कर ही देखो, इतनी गाढ़ी गाढ़ी प्यारी प्यारी करी है, मैं क्या ही बताऊं, हाँ क्या ही बताऊं भाई। दिस इज नुक्के निक्के 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 प्याज भाई सिंस लॉन्ग टाइम भाई। मुद्दा ये है कि जो इसकी इतनी खतरनाक ग्रेवी है भाई, वो खाने में कैसी है? धनिए से लैस, हरा धनिया, साबू धनिया, आ भाई भाई लुक एट द ग्रेवी एंड लुक एट द काली मिर्च भाई, घर में बड़ा आओ भाई बताते हैं टेस्ट कैसा है। भाई माइंड जबरानजा, क्या जबरदस्त टेस्ट है भाई ग्रेवी का, एंटायरली भाई रोस्टेड धनिए का भाई फ्लेवर, कूट कूट के सच में भैया भाई मैं सच में कह रहा हूं, जबरदस्त रेसिपी तैयार है। और भाई नॉन स्पॉन्सर्ड है जी, एवरेस्ट का गरम मसाला यूज किया है, एवरेस्ट का मीट मसाला यूज किया हुआ है, बताना जरूरी था क्यों, बट टेस्ट सेम आएगा। तो आ भाई कोई बढ़िया जिया लेग का पीस करने है, आ भाई लेग ऐसे डोल आ डिग जा, आओ जी खाओ इसे लगा लगा के इस माइंड वाले जबरानजे को।
बाइट लगता है यार, जबरदस्त टेस्ट है यार, बहुत ही जबरदस्त टेस्ट है भाई। अभी भी जबरदस्त है यार, चिकन के साथ भी, बट ग्रेवी डाल के ना अच्छा टेस्ट आएगा, अच्छा टेस्ट। बहुत गर्म है यार। जबरदस्त टेस्ट, जबरदस्त। हाँ, उसकी कैप खाते हैं यार। इस कैप का ना कृष्णा मुझे बहुत पसंद है यार। आओ यार, एक मस्त थाई निकाल लेते हैं। थाई आ गया, इसकी ओपनिंग करते हैं। ओया ओपन, ओया ओपन हो जाओ। अरे ओया हो गया, इसके अंदर लैंड कराते हैं जी। ये मस्त मस्त करी, इन बंद कर दो। बह जा बह जा बह जा। तो आ भाई, ओह भाई स्वाद यार, स्वाद। काटो, एक और थाई। हाँ, थाई पे थाई चलेगी भाई। ये कटना जरूर मारना। होता क्या है, इससे भीतर मसाले जाते हैं और फ्लेवर बहुत जबरदस्त आता है यार। और मैं दिखाता हूँ कैसे। देखो, कटने में आसानी, पिटने में आसानी। हाँ देख लो जी, है सही नहीं। देखो कैसे तितर बितर हो गए। हाँ हो गए नहीं। हाँ, अब तितर बितर को करना जी खट्टे, ऐसे मिक्स मुक्स करना जी किंग की तरह। है नो चक के है खा लो। वाह, और मैं प्याज भी खाकर साथ में इसके। मजा आ गया। भाई लेग थाई तो हो गया ना भाई, पोटर आना भूल गया आज यार। भाई कोई चक्कर नहीं है भाई, अब किंग की एंट्री कराते हैं यार। तो जी किंग की एंट्री हो चुकी है। किंग आज बहुत ही खिला खिला है भाई। देखो मुझसे ना सब भाई पूछते हैं भाई ये किंग कौन सा है। भाई ये जो किंग है जी, ये जम्मू का लोकल ब्रांड है जी। हाँ, सुप्रीम रेगुलर के नाम से मशहूर है भाई। नॉन स्पॉन्सर दोबारा कह रहा हूँ, बहन दी इसने। हाँ भाई, जम्मू का कोई भाई बहन मुझे देख रहा ना, तो भाई ये सुप्रीम रेगुलर है जी। 30 किलो 2600-2700 रुपये का जी। हाँ बस, बाकी ऑनलाइन मिलता है यार। तो आ भाई, आ भाई लेग ऐसे डुल जा, ऐ डुल, ऐ डुल गया। ये बड़ी लाची, बड़ी सुंदर। तो करो जी इन्हों मिक्स मुक्स चंगे नाल। आवे पहली बाइट, परफेक्ट किंग के लिए, एकदम जबरा जबरानजा। बल्कि धनिया इतना जबरदस्त फ्लेवर दे रहा है, रोस्टेड धनिया इतना प्यारा फ्लेवर दे रहा है जी किंग के सामने भी। आप ना इंजॉय करो इस रेसिपी को। बट मैं अभी भी कह रहा हूँ, ऑयली रहता है, डेली खाने लायक चीज़ नहीं होती है, कभी कभार खा लिया करो यार। तो थाई का मुझे बहुत स्वाद आता है यार। देखो कैसे कट रहा ना, एक केक तरह। हाँ भाई, आप मुझसे पूछोगे भाई धनिया मटन अच्छा है या धनिया चिकन अच्छा है। भाई मैं तो कह रहा हूँ कि अपने अपने जगह पर भाई दोनों सही हैं यार। तो मैं सच में कह रहा हूँ, एक्चुअली सारा खेल ना ग्रेवी का है यार। बट मटन में ये रहता है कि मटन की जो ग्रेवी रहती है वो थोड़ी डिफरेंट रहती है, और थोड़ा फ्लेवर 2-3% थोड़ा एक्स्ट्रा अच्छा आ ही जाता है यार। तो दोस्तों भाई ये था जी धनिया चिकन करी। आप ये ज़रूर ट्राई करना,
मुझे बताना भाई कैसा लगा, कैसा बना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।